कोविड-19 ने दुनिया में तबाही मचा दी है। अभी दुनिया इस तूफान से निकल ही रही है तो नई अफवाहें शुरू हो गई हैं। एक उससे भी जानलेवा वायरस इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर फैलना शुरू हो चुका है। चीन ने इन सभी दावों का खंडन किया है और उनकी सीक्रेट एजेंसी MSS इस खबर को दुनिया से छुपाने की हर कोशिश कर रही है। समय के खिलाफ इस दौड़ में हमारे अंडरकवर एजेंट बीरेन घोष ने एक चाइनीज सोर्स से संपर्क बना लिया है और वो इस बात का सबूत लंदन में होने वाले कॉन्फ्रेंस में देने को तैयार है, आज से ठीक 7 दिनों बाद। ठीक हो ना? रोहित स्कूल से आ गई? नहीं, कुछ नहीं, जस्ट चेकिंग। उमा से मिलने जाना है एग्जीबिशन की प्लानिंग के लिए, फिर वहां से सीधे घर। नहीं, सुन रहा हूँ, सॉरी। कुछ अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है मुझे। सुनो, अगर मेरा फोन ना लगे तो उमा को कॉल कर लेना। सुनो, सिर्फ उमा पर भरोसा करना। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट फीलिंग। रख रहा हूँ। हाँ, बाय, लव यू। Your contact in the Chinese delegation. Who else in your role unit knows about this? Hold on, we can't leave any traces. We are not doing that. Come on, this birdie needs to sing! Sing!发现什么了？没有，这也是你的麻烦。北京那边有什么消息吗？没有任何消息。这个叛徒到底是谁呀？
我们需要在代表团到达之前找到这个Soul。我们不能动他，这是个外交官。हमने गैलरी का ये रूम एग्जीबिशन के लिए चुना है। इंडियन एम्बेसी इज क्वाइट पर्टिकुलर अबाउट द स्टाइल इट रिफ्लेक्ट्स। आप कब से इंडियन एम्बेसी में काम कर रही है? 3 साल से। क्यों? Your last exhibition with Brian Ghosh was very, very good. Did I say something wrong? No, it's nothing. Thank you. Actually, मुझे आपकी टेस्ट पे पूरा भरोसा है. So you can, excuse me. हेलो, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ. क्या वो ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, I was just waiting for you to come off the phone. वो आर्टिस्ट के वीजा हो गए? हाँ, we are working on it. क्या मतलब? We are preparing for the 9th global conference on virology. Mrs. Das ने कहा है, that's priority. I know that, पर तुम और आजाद कर क्या रहे हो? सब आ गए हैं, बस 3 लोग बचे हैं. आप चिंता मत कीजिए, वो भी आ जाएंगे. देश के बेस्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं, नो डिलेज. I understand, ma'am. देश की इज्जत का सवाल है. And also, delegation के coordinator से please वो पार्टी की बात कर लीजिए. ma'am, मैं सारी बातें कर चुका हूँ, सब सेट है. इवन गजल वाले से भी बात कर चुका हूँ. थैंक यू. आपसे 2 मिनट एक प्राइवेट बात करनी थी. mm-hmm. अगर आप हेड ऑफिस से मेरी सैलरी बात. मैम, उमा कुलकर्णी वुड लाइक टू मीट यू. ओके. अगर आप हेड ऑफिस से मेरा सैलरी बैंड अपग्रेड कराने की बात कर लेती तो बहुत अच्छा रहता. कैन आई कम इन? आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड. आई नो, बट उस चीज को काफी वक्त हो गया एंड आई एम अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर. एक बार आप मैम, कोई भी ब्रिटिश एम्बेसी से इंडियन आर्टिस्ट्स के वीजा के फास्ट फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस पे काम कर रहे हैं. आजाद, थैंक यू. जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिए. पर ये एग्जीबिशन भी तो जरूरी है. तुम टेंशन बहुत लेती हो. आओ बैठो. बेबी का क्या हाल है? सब ठीक है. शरद कैसा है? He's good. बीरेन खोश पे कोई लीड मिला? Not yet. Oh, that's not good. Especially with this conference coming up. I'll find him. I know you two are friends. कुछ पता चले तो बताना. गोयल तुमसे बात करना चाहता है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है. I'm on my way. वीरेन की लास्ट लोकेशन का कुछ पता चला? वॉक्सहॉल बस स्टेशन पर उसका फोन 24 घंटे से बंद है. You think it's the Chinese? MSS is under a lot of pressure, but we need proof. लंदन CCTV का शहर है. सारा कवरेज एक्सेस करो और पता करो कि पिछले कुछ दिनों में वीरेन कहाँ कहाँ गया है. CCTV फीड स्कैन हो रहा है, जल्दी ही मिल जाएगा. ग्रेट. ये पता कैसे चला? सप्लाई कम करना होगा. क्यों? डिमांड नहीं है, आपके पैसे डूब रहे हैं. उसकी फिक्र छोड़ो और अपना काम करो. मेरा दुकान होता तो अलग चलाता. फर्क इतना है कि तुम टॉप फ्लोर पर पैदा हुई और मैं बेसमेंट में. तो तुम्हारा दुकान नहीं है. एक बात पूछू, प्रेम को लेके ड्यूटस में? Checked on me. और मिसेस मेहता भी. Sorry. It's okay. वैसे भी हम जैसे दुकानदारों को इमोशनल होना अलाउड नहीं. पता नहीं कहाँ चूक गई मैं. बीरेन इज ऑल्सो अ फ्रेंड. सिर्फ बीरेन जानता है सोस के बारे में. अब सोर्स के साथ कोई और कांटेक्ट नहीं है. कुछ दिनों में कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बॉस भी रेस्टलेस है.
चलो चल के देखते हैं। तुम चलो मैं आता हूँ। हेलो सर, कैसी हो उमा? ना ख्याल तो रख रही हो ना? यस सर, थैंक यू। गुड। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज, ये बीरेन का ऐसे गायब होना, उसका कवर ब्लो हुआ कैसे? आई डोंट नो येट। वो मेरे घर की तरफ ही आ रहा था पर पहुंच नहीं पाया। वो मुझे अपने सोर्स के बारे में ही बताने वाला था। मतलब सिर्फ एक बीरेन ही है जो हमारे इस चाइनीज सोर्स के बारे में जानता है? कोई लीड्स? उसने कोई एसओएस भी नहीं भेजा। मैंने उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। The phone is dead. Damn it. Sir, we'll trace him. But until then, what feedback do you want me to give our bosses? That the Indian intelligence is not intelligent enough to find their own spy? Sir, मुझे लगता है कोई मोल है हमारे ranks में। ये क्या बोल रही हो? ऐसे claims के लिए evidence की जरूरत होती है। I have a strong feeling, sir. तुम्हारी जॉब सिर्फ इंस्टिंक्ट पर नहीं चलती। Having said that, you can't take any risks. Okay, look into it, but be careful. अर्जुन कहाँ है? हेलो सर। अर्जुन, ओके लुक, अगर चाइनीज को हमारे सोर्स के बारे में पता चल चुका है तो वो डेफिनेटली उसे मार देंगे। फिर ये वायरस जहां जहां जाएगा शहर के शहर बर्बाद कर देगा। जस्ट फाइंड बीरेन। विल फाइंड हिम सर। यहां बॉर्डर पर बहुत टेंशन है उमा। वी ऑल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। स्लाइटेस्ट मिस्टेक और इंडिया और चाइना के बीच जंग छिड़ जाएगी। ऐसा कुछ मत कर बैठना जिसकी वजह से इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो सके। अगर वहां यूके में कोई गड़बड़ हुई तो डायरेक्टली MI6 इन्वॉल्व हो जाएगा। सो कोई शोर नहीं। नो गन्स, नो फायरवर्क्स, नथिंग फ्लैशी। Keep it down. Keep it confidential. Keep me posted. I can feel it. कुछ सही नहीं बैठा। ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों दुकानें फीलिंग से ही चलती। Shut up, Arjun. Let's get back to work. Okay. एक रॉ एजेंट मिसिंग है, एक और वायरस और अब हमारे बीच में एक मोड़। कहां से शुरू करें? गॉट द सीसीटीवी। ये तो MSS एजेंट है। डोंट फॉरगेट टू कम इन द डेलीगेशन पार्टी। आई कांट थिंक अबाउट अ पार्टी राइट नाउ। बीरेन वापस आ जाएगा, हम सब हॉस्पिटल्स में पता करवा रहे हैं। वो हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगा नीरू, उसे किडनैप किया है। व्हाट? MSS इन्वॉल्वड है। MSS इन लंदन? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस? MSS के इन्वॉल्वमेंट का सबूत। ज्यादा समय नहीं है नीरू, वी हैव टू हेल्प हिम। आई वोंट लेट देम गेट अवे। थैंक यू। रूही आज स्कूल भी नहीं जाना चाह रही थी। फिर उन्हें कभी ऐसा नहीं किया, बिना बताए कभी घंटा भी लेट नहीं आया। अब आखिरी बार तुम दोनों की कब बात हुई थी? काम से निकल के फोन किया था, तुमसे मिलने जा रहा था। फोन पे मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा क्या? नहीं, लेकिन वो तो मैं ये देना चाहता था। पेंटिंग है आई थिंक। ही ट्रस्टेड यू अ लॉट। डोंट वरी, आई विल फाइंड हिम। दैट समर इन बीजिंग वाज द वर्स्ट। एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप विद अ डिफरेंट प्रॉब्लम।
each time worse than before. Was Sarah with you at that time? Yes. I remember your wedding in Delhi. You served Chinese food, but there was nothing Chinese inside. Our country is a huge melting pot. But we also know how to fight for the safety of our interests. What exactly you're implying, Ambassador? Where is Biren Wong? Who? The art curator. I have no idea what you're talking about. What's that? Evidence of MSS involvement. Would you like some more wine? No, thank you. Yes, please. Every time one Chinese does a crime, you are blameless. You can't take this serious. There is going to be more evidence coming up. I mean it for your own credibility and that of China. Release Biren now. I mean it as a friend. The World Health Meeting is about to be held. The whole world is watching us. At this time, 绝不允许任何的负面的影响出现，你知道吗？您先冷静一下，我一定会找出真相。如果他们在我们之前发现了这个叛徒，整个世界都会误解我们。这种误解，搞不好就会出现两国的战争。 मुझे कि अपनी बीवी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना मुझे अब कोर्ट में बात करनी पड़ेगी है ना? अभी तक डेट डिसाइड नहीं किया बेबी मैं कल बात करती हूँ हाँ अरे चलो ठीक है डू कॉल मी बिरेन तुमने मुझे ये पेंटिंग क्यों दी Drove in. Yeah, don't worry. I made sure no one was following me. I trust you. Are you okay, Uma? Have you been crying? Biren is dead. What? They pulled his body out of Thames last night. Oh no. Nirupama and Wong met at a restaurant yesterday. He didn't like her claims.
I think they released his body after Neeru showed them the evidence. That's him. Don't worry, I will find him. You're in a very dangerous place, Yuki. You have to be careful of every step that you take. Always. What about the intel? Only Viren knew of him. He didn't even risk telling me. You should not give up. Never. I owe that to him. You take care. अगर ये वायरस वाला इंटेल विरेन ने गोयल तक पहुंचाया है तो ये जरूर एम्बेसी से होकर गया है। और कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। तो मोल या हमारे बीच है या इंडियन एम्बेसी में है। ये विरेन के इमिग्रेशन पेपर वर्क भी अर्जेंटली फाइल हुए थे ना? और जीवन और आजाद ने उस पेपर्स को प्रोसेस किए। भाटी उदयपुर से है, यहाँ अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। ये इसकी तीसरी पोस्टिंग है, इससे पहले ये बुएनोस एरीज, बगोटा और नैरोबी में था। उन दोनों को फॉलो करना होगा, वो कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते, सब कुछ। और सबसे पहले ना इंडिया की जो इंडिया चेक कर लिया है मैंने, इनका भी बैकग्राउंड चेक कर लिया। Hi, Uma. All good? आज विरेन की डेथ की न्यूज के बाद मॉम को वॉर्न किया था, क्या समझती है सरे हम किसी इंडियन को किडनैप करके मार सकते हैं? नीरू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई थिंक हमारी एम्बेसी में कोई चाइनीज सेंटीमेंट है और मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मतलब इस वक्त डिटेल्स में तो नहीं जा सकती, बट ऐसा करना ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हें इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मुझे तभी बताओ। थैंक यू। करीब आ रहा है कयामत का दिन। सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? कुछ रिश्तों की एक्सपायरी डेट नहीं होती। डिसाइड किया? डिलीवरी यहाँ पे या इंडिया में? वो अब तक डिसाइड नहीं किया। दो तीन महीनों में बच्चा होने वाला है और अभी तक डिसाइड नहीं किया। Can I get you something? Thank you. I'll help myself.
पता, जब मैं ईशान के साथ प्रेग्नेंट थी ना, तो एक बार मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के टेबल से खाना चुराया था, तभी ईशान इतना हेल्दी पैदा हुआ। मैं तो अपना फ्यूल साथ में लेके चलती हूँ। वो छोड़ो, यहाँ पर कलौटी कबाब बने आज, वो खाओ। मुझे तो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। एक बड़ी अच्छी रेसिपी है, वो भेजती हूँ मैं तुम्हें, यू शुड ट्राई इट। यू मस्ट फॉलो हर, एक्सीलेंट। पार्टी के बाद जीवन सीधा मेफे आया, ईशान से मिला और अब दोनों टैक्सी ले रहे हैं। एक ही दिन में दो बार मीटिंग, मैं नजर रखता हूँ। I have tracked the MSS agent from the photos. He runs a Tai Chi class near O Street. Keep a low profile and report anything suspicious. कर रही हूँ सर। उसकी क्लाउड बैकअप से मिला आखिरी मैसेज डिक्रिप्ट हो चुका है। एक फ्लाइट नंबर है SN2903। सॉस 4 दिन बाद लंदन पहुंच रहा है, कॉन्फ्रेंस के दिन। हो सकता है कि सॉस डेलीगेशन का हिस्सा हो। सर, वो अपनी इंटेल तब तक रिवील नहीं करेगा जब तक ही सेफ महसूस ना करे। एग्जैक्टली, सो मेक श्योर देयर आर नो लीक्स। अगर कोई मोल है और उसे पता चल गया तो हमारा सोर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आई नो सर। ट्रीट दिस एज हाई प्रायोरिटी, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं। I know. पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। कोशिश नहीं उमा, तुम्हें किसी भी तरह उस सोर्स को ढूंढना होगा। एम्बेसी की स्टाफ को इन्वेस्टिगेट किया? जी, पर अब तक कोई रिजल्ट्स नहीं है। Just don't blow your cover. Keep me posted. Yes, sir. बस बस बस, ये इसने निशांत को क्या दिया? एनवेलोप।
इतने साल हो गए अब तक कैमरा ऑपरेट करना नहीं आया। इसमें क्या खराबी है? कुछ दिख नहीं रहा। उनके क्लोजअप चाहिए थे क्या? हाँ। Cut it, both of you. इस निशांत का बैकग्राउंड चेक करो। जीवन और आजाद के डेटा में से कुछ मिला? जीवन क्लीन है लेकिन आजाद कुछ छुपा रहा है। मतलब? उसने अपना पर्सनल फोल्डर 256 बिट एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट किया हुआ है। मैं आजाद को फॉलो करता हूँ। एक और सस्पेक्ट शरद दत्ता। The ambassador's husband? What? हमें परमिशन है इसकी? ये चुपचाप करना होगा। थोड़ा रिस्की है बट इट्स नेसेसरी। इंस्टिंक्ट। He's hiding something, I'm sure. आजाद नायर, कोची में जन्म, कलकत्ता में बड़ा हुआ। लंदन इसकी पांचवी पोस्टिंग है। इसके पहले वो बेरूत, इस्लामाबाद, काबुल और बीजिंग में था। एक के बाद एक पनिशमेंट पोस्टिंग। और इसकी फैमिली? लंदन में अकेला रहता है। पिछले साल डिवोर्स हुआ। बच्चों की कस्टडी बीवी के पास है। एक कपड़े की दुकान पे आया है। वो फ्रंट है हवाला का। काफी पैसे भेज रहा है। कहाँ हो तुम बॉस? निशांत के घर। हेलो बॉस, कहाँ हो तुम? निशांत के घर से अभी निकली। और तुम? तुम नहीं जानना चाहोगे। म्यूजिक से तो लग रहा है तुम किसी बार में हो। स्ट्रिप क्लब। अच्छा, सिर्फ लड़कियों को ही नचवा रहे हो या लड़के भी हैं? तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो अपने फैमिली के बारे में तो सोचो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम किसी और से मिलते हो। स्नेहा, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या बात है? तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। नहीं, टाइम सही नहीं है। इमरजेंसी है। चलिए। निशांत को कब से जानते हैं? ये पर्सनल मैटर है। दुश्मन के स्पाई के साथ रिलेशनशिप रखना पर्सनल मैटर है। और इस पर्सनल मैटर के बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को पता चल गया तो? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने उसे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। योर सेक्शुअल चॉइसेस आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू मी।
प्लीज उसको कुछ मत करना। निशांत आज सुबह अपने फ्लैट से भाग गया है, कहाँ है वो? I don't know. देखो इस वक्त मैं बहुत इरिटेटेड हूँ और मेरे पास समय बहुत कम, सो प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस। मैंने किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं लीक की है। कल रात तुमने उसे एनवेलप में क्या दिया? मैंने सिर्फ उसका नया पासपोर्ट बनवाया। गई है वो, वापस नहीं जाना चाहता था। मैंने उसकी मदद की। मदद के बदले में उसका फायदा उठा रहे हो? प्यार करता हूँ उससे। मैंने उसको कुछ नहीं बताया। प्लीज डोंट टेल माय फैमिली। आज बहुत सुबह बात हुई। देर नहीं हो रही तुम्हें? Don't ignore me, Sharad. Is she that student of yours? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं है कि इतने हफ्तों से क्या चल रहा है तुम्हारा अफेयर। I'm the husband of the Indian ambassador. Don't put it like that. It's so obvious, mat karo. It hurts. अपना बीजिंग का अफेयर भूल गई तुम? क्यों तुम बार बार पुरानी बातें लेकर आते हो? कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। Can't we move on? Really like to. लेकिन जिस नीरू से मैंने प्यार किया था ना, मेरी नीरू, वो बीजिंग में ही कहीं खो गई। एक बार सॉरी बोल चुकी हूँ शरद, मैं
कि ये तुम्हारे अफेयर की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम इतनी बदल गई। You've become a totally different person. उसकी सजा तुम्हें आज तक भुगत रही So keeping all that in mind, we come back to what I was saying, that the earliest composition in Sanskrit was the Rig Veda. Even at that time, Sanskrit was a language of the elite. So my point is that language itself is a limiting form of communication. However, there is something special that language does when it changes form. Can you tell me what that is? Poetry, thank you, Manjari. And next time we're going to discuss the greatest Sanskrit poem ever written. It's called Abhigyan Shakuntala, written by Kalidas. Anyway, thanks for coming and I'll see you next time. Any questions? What about romantic acts? क्या है? अब मेरे साथ आना चाहोगे? क्यों? किसकी पेरोल पे तुम? मतलब? सैलरी कितनी है तुम्हारी? 2000 pounds. और एक ही दिन में 10,400 pounds हवाला से कैसे भेजे? पोकर में जीते थे। लड़कियों पे कितने पैसे उड़ाते हो? शर्म है तुम्हें? इंडियन एम्बेसी में काम करते हो? मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, यकीन मानिए। फिर कंप्यूटर पे इंक्रिप्शन क्यों लगा रखा है? पर्सनल फोल्डर है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ वो तो करिए। वो पर इसी साल खेलना शुरू किया है। पेरेंट्स को जब वायरस हुआ तो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हॉस्पिटल बिल में चली गई। सैलरी से सपोर्ट नहीं कर सकता था। ऑनलाइन गैम्बलिंग शुरू की और अब आदत हो गई। तलाक के बाद बीवी को अगर पैसे मैं भेजू ना तो बेटी की शक्ल नहीं देखने देती वो। और वो लड़का निशांत भी क्लीन है। पेपर्स प्रोसेस होते ही वो अपने रियल बॉयफ्रेंड के साथ एम्स्टर्डम चला गया। हाथ फ्रैक्चर हो गया मेरा। अच्छा शरद और उसके स्टूडेंट की ये फोटो यूकी को भेजो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों मेरे पीछे कैसे पहुंच गए। धीरे धीरे वो हम सबके पीछे आ रहे हैं। पीछे ठीक है, हमारे आगे नहीं होना चाहिए। समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा है। बिरेन का पेपर वर्क प्रोसेस करने वाले एम्बेसी में सिर्फ दो ही लोग थे, जीवन और आजाद। अगर ये दोनों इनोसेंट हैं तो फिर मोल है कौन? हाय। हाय। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? इट्स ऑल अ डेड एंड। क्या हुआ? जीवन ने आज सुसाइड कमिट कर लिया। व्हाट? वेमली के ट्रेन ट्रैक्स के पास उसकी बॉडी मिली है आज।
मैंने अभी दो दिन पहले ही उसे इन्वेस्टिगेशन मैं उसी के घर से आ रही हूँ। उसकी वाइफ और बेटी उन दोनों को आज इंडिया भिजवाने का इंतजाम कर रही हूँ। He was one of my best. Are you sure it was a suicide? Uski pocket mein se ek note mila hai. Police se permission lekar maine wo note padha hai. Kya likha tha usme? He's blamed you for harassment.前是不是练过？好多年以前了。你来自哪个省？西藏。十、四。Good morning, Angela. 五。What's the plan? Uma, the girl who Sharad is having an affair with, she came to Tai Chi today. What? They're up to something.Leo. Chang aur Anjali ka saath hona matlab they want something from Sharad. Kuch sahi nahi baith raha. A straightforward honey trap. Ye 10 saalon se Neeru ke saath ek desh se dusre desh mein ghoom raha hai. Ise achhi tarah se pata hai ki honey trap kya hota hai. Honey trap mein aadmi dimag se nahi kahin aur se sochta hai. Aur jab tak realize karta hai tab tak gaadi station se chhoot jaati hai. Dekhte hain tumhari theory mein kitna dam hai. पता लगाने का मौका आ गया। शरद अपने घर से निकल के कहीं जा रहा है। मैं अर्जुन को इन्फॉर्म करती हूँ। Let's go get शरद। ये शरद अचानक से तो चीटिंग नहीं करने लगा है ना? यार ये सारे रिलेशनशिप बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ ना सब अकेले हैं, सब अंदर से टूटे हुए। तुम सस्पेक्ट से सिंपथाइज करने लगी हो। एक बात बताओ, तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? ये कोई टाइम है सब बातों का? बताओ ना। कार्ड छप गए थे और फिर लड़की भाग गई। मैं भाग गया। क्यों? मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। अपनी शादी तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, उस रिश्ते में वहां तक नहीं पहुंचा जहां मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं। कब की बात है ये? म्यांमार मैच सिंडिकेट असाइनमेंट के बाद वहां से लौटा तो लगा कि अगर मैंने ये शादी कर ली तो उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। पता है कभी कभी मुझे भी लगता है कहीं तन्मय से शादी करके मैंने उसकी जिंदगी तो नहीं खराब कर दी ना। उमा तुमने तो कहीं होगी जिंदगी खराब कर दी। हा हा हा, एक घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर म्यांमार से लेके आए हो। एक घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर से तो तन में जलता है। अच्छा, यू विल ड्रॉप मी होम ना? यस मैडम, देन टू शरद। Thank you.
लोग उसे बचा सकते थे उमा। I can't believe they went so far. But खुद को दोष मत दो अर्जुन। And we can't compromise our cover. I don't know, उमा, हम सही कर रहे हैं या गलत? I'm really, really sorry, Neeru. I don't know what's happening. We'll find them. Sharad वापस नहीं आएगा. सब मेरी गलती है. नहीं Neeru, please don't blame yourself. अगर तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज मुझे बताओ. मुझे ना पता था उसका अफेयर चल रहा है. I should have tried harder. लेकिन उसने शरद को क्या मारा? वो लड़की एमएसएस के लिए काम कर रही है. तुम्हें भी उसके अफेयर का? We were tracking him. एक बात बताओ, क्या शरद के पास तुम्हारे कोई भी पासवर्ड्स थे? He's never interested in my work. He was innocent. One minute. अच्छा, ये तुम बाद में भी कर सकती हो ना? मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ. यूकी के इंटेल ने कंफर्म किया कि अंजलि के पीछे चैंग है, बट शरद को क्यों मारा? जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस की डेट करीब आ रही है, वो लोग नर्वस हो रहे हैं, इसीलिए शरद मारा क्या? Why शरद? I mean, he knew nothing. Or did he? शायद उन्होंने शरद को निरुपमा से कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा हो एंड शरद ने रेजिस्ट किया. हो सकता कि यूकी एक डबल एजेंट हो और चैंग के इशारे पे वो हमें गलत राह पे ले जा रही है. No, that's not possible. सोचो उमा, उसने चैंग को इतना जल्दी कैसे ट्रेस कर लिया? मैं यूकी और उसकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. There is no way she is a double agent. यार उमा, यही तुम्हारे प्रॉब्लम है यार. हमारा ट्रस्ट ना तुम्हें अंधा कर रहा है. Don't you trust me, Arjun? या हर वक्त मुझे undermine करना ही तुम्हारी strategy है? नहीं, मैं उसे खुश हूँ मामा. वो ये जी लाए, तो जो तो नहीं हंटे, तन से 你真的让我很失望。太极教会我的是与时俱进。我给你一分钟的时间，让你来决定站在哪一面。 क्या हुआ? ये तो यूकी से है. क्या? वो लोग इस वक्त बहुत डेस्परेट हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सब उगलवा देंगे उसे.
नहीं पता। क्या बोल रही हो तुम उमा? वो हमारे लिए काम करती है। कितनी बार मिली हो तुम उसे विरेन के बारे में? विरेन के बारे में उसे कुछ नहीं पता। Unmitigated disaster. यहां सभी चैनल्स पर शरद और निरुपमा की बात चल रही है। तुम्हारी निगरानी में ये हो क्या रहा है? Sir, ना तो तुम मोल को ढूंढ पाई हो, ना ही सॉस का पता लगा सकी हो। मुझे तो तुम्हें उस इस्तांबुल डिजास्टर के बाद दिल्ली ट्रांसफर कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने ही तुम्हें एक सेकंड चांस दिया और उसका यह नतीजा। हेलो सर, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की क्या जरूरत है? इस्तांबुल यहां से 3056 किलोमीटर है, वहीं रहने दीजिए। Pack your things, Uma. You're coming back home. Arjun will take charge of the unit. Main handover ki taiyari karti hu. Seniors ki baat kab se manne lagi? Finally. अब ये स्टोर तुम्हारा है तो इसे मसाज पार्लर बनाओ या स्ट्रिप क्लब, तुम्हारी मर्जी। लेट्स गेट बैक टू वर्क। अच्छा एक बात बताओ, जब देव और चांग ने तुम्हें ट्रैक किया था, उससे पहले तुमने किसी को कॉल या मैसेज किया था? सिर्फ उमा को, बाकी तो सब बात कॉम्स पे हो रही थी। देव और चांग को पता कैसे चला? और आज मेरे यूकी को मैसेज करने के बाद ही वो दोनों वहां पहुंचे। विरेन ये पेंटिंग मुझे भेजना चाहता था। He was sending me a message. इसमें ही सोर्स का कोई इंफॉर्मेशन होगा। इससे बेटर क्या कवर हो सकता है एक आर्ट क्यूरेटर के लिए? तुम यूकी से यही पूछना चाहती थी ना? मैंने यूकी को मैसेज भेजा ये बात किसी को नहीं पता थी। एम चेक माई फोन। फोन बग्ड है। व्हाट? हाउ डिड आई नॉट सी दिस कमिंग? इस बग ने तुम्हारे फोन को मिरर किया है। तुम जो भी मैसेज या कॉल करोगी, ये बग अपने सोर्स को वो इंफॉर्मेशन भेजेगा। इस बग को हटाना मत। पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता चल गया है। आज से हम सिर्फ कॉम्स पे बात करेंगे और आज ही हमें ये ऑफिस भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, लेट्स गेट गोइंग। आज कॉन्फ्रेंस का दिन है। सारी दुनिया से डेलीगेट्स आ चुके हैं। हमें ना तो सोर्स की आइडेंटिटी का पता है और ना ही अब तक मोल मिल सका है। बस ये पता है कि ये इंफॉर्मेशन एमएसएस और उनके मोल के पास भी नहीं है। हमारे पास बस एक ही चांस है, हम सोर्स तक पहले पहुंचकर उसे इंडियन एम्बेसी ले चलें। उमा, सोर्स इस चाइनीज डेलीगेशन में से एक है, बट कोई मोल है भी या नहीं? मतलब शायद वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे फोन से निकाल रहे थे। मैंने आज तक बिरेन से कभी फोन पे मैसेज या बात नहीं की। कब आया होगा ये बग? आई डोंट नो, पर इस वक्त सोर्स का मिलना बहुत जरूरी है। उसे ढूंढे। उन आठ लोगों में से है कौन? ये क्या प्यार चल रहा है तुम दोनों के बीच में? जहां नदी और सूरज मिलते हैं, तुम मुझे वहां मिलो।
जहां नदी और सूरज मिलेंगे तुम मुझे वहां मिलो, वहां तो कुछ भी नहीं है, जहां वक्त की शुरुआत समय की, जहां काल की शुरुआत हुई, काल की शुरुआत तुम मुझे वहां मिलो जहां काल की शुरुआत हुई। सुनो, ये हमारा आखिरी चांस है। सॉस बिरिन को एक गैलरी में मिलने वाला था, काल गैलरी। Are you sure? Completely. मैंने आइटिनरी चेक किया तो देखा चाइनीज डेलीगेशन को रिक्रिएशन के लिए काल गैलरी ले जा रहे हैं। वो एक्सिबिशन का नाम एलिमेंट्स है। अब बस नदी और सूरज तुम्हें वहां कैसे मिलेंगे ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। Remember your training? Observe and it shall reveal itself. जहां नदी और सूरज मिलेंगे तुम मुझे वहां मिलो। Viren has sent me to get you. Where's Viren? They killed him. 这是一个很棒的展览，不是吗？是的，肯定。Beautiful, isn't it?Indeed. I meant being a mother. I hope ki wo aatishbazi karne ke chakkar mein na ho. They're not stupid. Public execution nahi karenge. Chang hamara picha nahi kar raha. Mujhe deja vu ho raha hai. Something bad is gonna happen. Instinct. Miro, main aata hu.
Sign, you're safe with us. There's just one more step. Please be brave, okay? Thank you. Chalo, let's hurry up. One second. Haan, Neeru. Tum sab theek ho? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कैसे जानती है? Thank God। तुम एम्बेसी आ जाओ। नहीं, एम्बेसी नहीं। You'll be safe here। नहीं, एम्बेसी पे उन लोगों ने नजर रखा होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में टेक्स्ट करती हूँ। इसीलिए चैंग ने हमें रोका नहीं। एम मेरे फोन से बग निकाल दो। सोर्स तो मिल गया लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब मोल को भी मालूम है और एमएसएस को भी कि सोर्स कौन है और वो पूरी कोशिश करेंगे साइंग तक पहुंचने की। जॉब मैंने बात कर ली है, साई को असाइलम मिल जाएगा। साई ने अपनी जान पर खेलकर हम पर ट्रस्ट किया है। यू कांट लेट हर डाउन। फॉरेन मिनिस्टर ने खुद पीएम से परमिशन लिया है। कहाँ है वो? नीचे। उसे ऊपर बुला लो। हम एम्बेसी चलते हैं, मैं उसकी असाइलम फास्ट ट्रैक करवाती हूँ। You've done a great job. We are so thankful to you. Chale. फोन कर। तुम्हारा स्नाइपर मर चुका है नीरू। चैंग इज डेड। नहीं, एम्बेसी पर उन लोगों ने नजर रखा होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में टेक्स्ट करती हूँ। मेरे फोन से बग निकाल दो और चैंग की गाड़ी ट्रैक करो। नंबर है YK60HSN। This is our last chance, Arjun. I'm there. Trust me. I always trust you. को कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्ही ने मेरे फोन पे वो बग डाला था। ट्राई करो एंड यू मस्ट फॉलो। हेलो बॉस, कहाँ हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों मेरे पीछे कैसे पहुंच गए। मैंने यूकी को मैसेज भेजा, ये बात किसी को नहीं पता थी। जब कुछ नहीं मिला तो मुझ पे ही इल्जाम लगा रही हूँ। तुम्हें इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो मुझे तभी बताओ।
Nirupama and Juan met at a restaurant yesterday. Vireen, khush pick me leave mila? Kuch pata chale to batana. Sab meri galti hai. Ilzaam nahi laga rahi. Jaanti ho, you were honey trapped in Beijing. और अपना करियर बचाने के लिए तुमने देश को बेच दिया और फिर हमें मिसलीड करने के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए चैंग किल शरद. I love my job more than anything. I did everything to protect it. पर कुछ गलतियां इंसान अंडू नहीं कर सकता. I love Charlotte. लड़ाई जंग के मैदान में नहीं जीती जाती, कुछ शहर की गलियों में ही खत्म हो जाती है. कुछ लड़ाई के जाबाज किस्सों में अमर हो जाते हैं और कुछ इस कहानी की तरह उन्हीं शहर की गलियों में गुम हो जाते हैं. साइन की सबूत की मदद से हम एक और पैंडमिक, एक और जंग से तो बच गए, मगर ये शांति कब तक बनी रहेगी? किसी का नहीं है कल से.